शीना का राज शिखर के सामने आने ही वाला था। शिखर कमरे में शीना की ओर बढ़े चले आ रहा था। शीना फोन के दूसरी ओर से आ रही आवाज को सुन दीवार की ओर मुंह किए कांप रही थी। शीना के मन में यही था, अगर शिखर ने मुझे इस हालत में देख लिया तो सारा सच सामने आ सकता है। शीना मुट्ठी बंद कर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। शिखर पीछे से पूछता है, सब ठीक तो है ना? शिखर अपना हाथ आगे बढ़ाता है शीना को पलटने को, तभी शीना एक तीखी आवाज में जवाब देती है, वहीं रुक जाओ शिखर, वो दरअसल मेरा ड्रेस सामने से फट गया है, मैं कपड़े बदलने ही कमरे में आई थी। ये सुन शिखर वहीं रुक जाता है, अपना हाथ पीछे ले बोलता है, माफ करना, मुझे पूछकर अंदर आना चाहिए था। और जाते हुए ये बोल जाता है कि सब फिशिंग के लिए तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। शिखर के जाते ही शीना गहरी सांसें लेती है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसका फोन कट चुका था, वो अपने मोबाइल में उस नंबर को ढूंढ कर ब्लॉक कर देती है। मेरा ये राज कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए, यही सोचते हुए शीना अपने आंसू पोंछती है और कपड़े बदल कर कमरे के बाहर निकल जाती है। नहीं, मुझे डर लगता है। ये कहते हुए अनन्या ने मछली पकड़ने वाली फिशिंग रोड फेंक दी और जाकर बैठ गई डेक पर। शिखर उसे चढ़ाते हुए बोला, सोच लो, भूखे रहना पड़ेगा, शर्त तो यही है, अपना शिकार अपना डिनर। क्या मछली से डर रही हो अनन्या? अपनी फिशिंग रोड की रस्सी को ठीक करता रवि बोला, पर हाथ से नहीं पकड़ना है जो इतना डर लग रहा है, कांटा फेंको अपने आप फंस जाएगी। देखो बबीता कैसे आराम से अपनी फिशिंग रोड डाले बैठी है, आओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें, बहुत आसान है। समुन्दर के पानी में तैरती अपनी फिशिंग रॉड को देखते हुए बबीता बोली, हाँ बड़ा आसान है, जो ये कह रहे हैं खुद अपनी फिशिंग रॉड का धागा तक नहीं सुलझा पाया है, मछली कब पकड़ेंगे देखते हैं। रवि और बबीता के इस जुबानी खेल का आनंद जरूर ले रहे थे शिखर और शीना, मगर उनकी नजर अपनी फिशिंग रॉड पर ही थी। रवि कहता है, जिंदगी का हर काम मिल बांट के किया जाए, ऐसी विचारधारा है मेरी बबीता। आप सबकी फिशिंग रॉड गई पानी में, और ये लीजिए ये गई मेरी। रवि अपना कांटा पानी में फेंक देता है और बैठ जाता है बबीता के बगल में। अनन्या करे भी तो क्या, चाहती थी वो शिखर के पास रहना, पर मछलियों से ऐसा डर कि दिल से ज्यादा जान प्यारी समझ आ रही थी अनन्या को उस वक्त, पर अपने मन की सच्चाई तो सिर्फ अनन्या ही जानती थी। उसे डर पानी से लग रहा था, पर पानी से दूर रहकर भी वो शिखर और शीना को पास देखकर चिढ़ी जा रही थी। उसका मन नहीं मान रहा था और वो आखिर में आकर बैठ गई शिखर के बगल में। शिखर उसे चढ़ाते हुए बोला, अभी से भूख लग गई। अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, अभी नहीं लगी पर मछली खाऊंगी जरूर, वो जो तुम पकड़ोगे। रवि बबीता को देखते हुए बोला, आप भी चिंता मत करना बबीता, आपकी मछली फंसे ना फंसे, आप मेरी पकड़ी हुई मछली खाना, बचपन में हजारों मछलियां पकड़ी है मैंने, देखना सबसे बड़ी मछली मेरे ही कांटे में फंसेगी। और तभी शीना चिल्लाई, फंस गई। शिखर चिल्लाया, अपने धागे को ढील देते रहना शीना, भागेगी अब वो। शीना अपने कांटे के धागे को ढील देती रही और उसके कांटे में फंसी मछली भागती रही। शीना चिल्लाई, अरे धागा खत्म हो रहा है और ये मछली तो रुक ही नहीं रही, अब ढील को थोड़ा कम करो और हल्के हल्के अपनी तरफ खींचो। ये कहकर शिखर ने अपनी फिशिंग रॉड अनन्या के हाथों में पकड़ाई और उठकर आ गया शीना के पास और लग गया उसके साथ मिलकर धागा खींचने में। तभी अनन्या बोली, शिखर कोई तुम्हारा कांटा खींच रहा है। रवि बोला, तुम भी खींचो उसे अपनी तरफ। शिखर कहता है, नहीं नहीं अभी मत खींचना, फिशिंग रॉड पकड़े रहो जोर से और धागे को जाने देना, भागने दो उसे, थक जाएगी तब खींचना। शीना कहती है, ये हमारी मछली कब थकेगी, ये तो उल्टा हमें खींच रही है। शिखर कहता है, बड़ी है अपना पूरा जोर लगा रही है, खींचो ऐसे थकाते इसे। और तब चिल्लाया रवि, देखो फंस गई मछली मेरे कांटे में भी, बबीता देखो हो गया अपने खाने का इंतजाम। उधर शीना और शिखर मिलकर अपनी फंसी मछली को खींचने में मेहनत किए जा रहे थे, तो इधर रवि बड़े आराम से उसके कांटे में फंसी मछली को अपनी तरफ खींचे ला रहा था। और फिर उसने अपना कांटा पानी से बाहर खींच लिया और चिल्लाया, ये देखो मेरा और बबीता का डिनर। सभी लोग हवा में झूलते उसके कांटे और उसमें फंसी मछली को देखते हैं। सबसे पहले जोर से हंसते हुए अनन्या बोली, मान गए रवि, तुम वाकई में चैंपियन हो, समुन्द्र भरा है पूरा मछलियों से, पर तुम्हारे कांटे में वही फंसा जो तुम्हें हमेशा खाते रहना चाहिए, जूता। रवि का मुंह बन गया था, अपने कांटे में फंसे जूते को देखकर मायूसी से उसने बबीता को देखा। और तब शीना और शिखर ने मिलकर अपनी मछली पानी से बाहर निकाली। एक बड़ी सी मछली हवा में लहरा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्हें ऐसे देख अनन्या ने अपनी फिशिंग रॉड पानी में फेंक दी और बोली, शिखर फिशिंग रॉड गई। अनन्या को चढ़ाते हुए रवि बोला, फिशिंग रॉड गई तो खाना भी गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। शाम हो चली थी और सब डूबते सूरज को निहार रहे थे।
मॉडल्स थककर आज रात अपने कमरे में सोकर गुजारने का फैसला कर वहां से रवाना हो जाती है और तब उन सब की नजरें डूबते सूरज के गेहूं रंग से अलग हटते हुए पड़ती है एक सुनहरे बदन पर, जिस पर एक लाल बिकनी और टॉप पहने शीना डेक के कोने पर आकर खड़ी हो जाती है। शिखर अपना चश्मा उतार लेता है और रवि के खुले मुंह को बंद करता है। बबीता अपनी किताब से नजर हटाकर एक झलक शीना को देखती है और वापस अपनी किताब में मगन हो जाती है। पर अनन्या को शीना का ये सुंदर मनमोहक रूप पसंद नहीं आता और वो जलन के मारे वहां से उठकर चली जाती है। शीना पलटती है इन सब की तरफ मुस्कुराते हुए और खुद ही पीछे की तरफ गिर जाती है। शीना के ऐसे करते ही शिखर चिल्लाता हुआ भागता है डेक की तरफ। शीना, रवि भी भागकर पहुंचता है डेक के कोने पर और दोनों देखते हैं पानी के अंदर गई शीना वापस पानी की सतह पर आती है और खूबसूरती से तैरते हुए उन्हें हाथ के इशारे से पानी में आने को कहती है। रवि कहता है, मेरी कुंडली में मौत की वजह पानी है, तुम ही जाओ। शिखर कहता है, तैरना नहीं आता वरना अब तक कूद गया होता। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, पानी में क्या देख रहे हो? पलट कर देखने पर उन्हें अनन्या दिखती है जिसने अब एक टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा है। रवि कहता है, तुम भी कूदने जा रही हो? कूद जाओ, देखो कौन कितनी दूर तक तैर सकता है। वैसे शीना आगे निकल चुकी है तुमसे। शिखर पानी में तैरती शीना को देखकर कहता है, देखो कैसे एक मछली की तरह तैर रही है। शिखर को उस पल शीना किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी और तभी छपाक की आवाज से उसकी नजर पानी में जाती है। उसके बगल में अनन्या नहीं थी, वो भी पानी में कूद चुकी थी। रवि बोला, सही समय पे तारीफ कर दी तुमने शीना की, अब कुछ तो अनन्या को भी साबित करना पड़ेगा। शिखर उसकी तरफ देखे बिना बोला, मेरी नहीं तुम्हारी बात पर कूदी है वो पानी में। अब रवि जोर से बोला, शाबाश अनन्या, तेज चलो, बहुत दूर नहीं शीना तुमसे। पर अनन्या तैर नहीं पा रही थी। कुछ दूर तैरने के बाद ही वो वापस आने लगी जहाज की तरफ। अनन्या के पांव में तनाव के कारण क्रैम्प आ गया था और फिर देखते ही देखते वो डूबने लगी। उसने अपने हाथ पानी में मारने शुरू कर दिए जैसे वो डूब रही हो। शिखर बोला, ये तो डूब रही है शायद। तब शिखर ने जोर से आवाज लगाई, शीना अनन्या को बचाओ, वो डूब रही है। शिखर की आवाज शीना सुन नहीं पाई, वो तो बस आगे तैरती ही जा रही थी। और इधर अनन्या चिल्लाई, बचाओ, और ये कहकर वो पानी के अंदर चली गई। शिखर परेशान हो उठा, वो चिल्लाया, अनन्या, मगर अनन्या कहीं दिखी ही नहीं। शिखर को चिल्लाता देख बबीता भी भागकर वहां पहुंच गई और तब अनन्या पानी के ऊपर दिखी। बबीता ने तुरंत लाइफ गार्ड ट्यूब पानी में फेंका और चिल्लाई, अनन्या उस ट्यूब को पकड़ो। पर अनन्या को कहां कोई सूझ या समझ थी उस वक्त, वो तो अपनी सांसों के लिए पानी से लड़ रही थी। और तभी शिखर पानी में कूद पड़ता है। रवि कहता है, अब ये क्यों कूद गया पानी में, इसे भी तैरना कहां आता है। सुनते ही बबीता डेक पर टंगे एक बड़े से घंटे को जोर जोर से पीटने लगती है। जहाज के बाकी लोग भी डेक पर पहुंच जाते हैं। शिखर लाइफ जैकेट पहनकर कूद तो गया था पानी में अनन्या को बचाने और वो उसके पास पहुंच भी जाता है, मगर जल्दबाजी में उसने ये जांच तक नहीं की कि उसका लाइफ जैकेट फटा हुआ है और अब अनन्या के साथ साथ शिखर भी डूब रहा था। इस पल अपनी सारी चाल सारे दिखावे भूल अनन्या शिखर से लिपट जाती है। इस पल उसके मन में शिखर के लिए बस प्यार था। शिखर ने उसे बचाने को बिना सोचे अपनी जान जोखिम में जो डाल दी थी, क्या शुभचिंतक को ढूंढने के चक्कर में शिखर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। डेक पर फैसला नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाए और इसी बीच शिखर किसी तरह अनन्या को बबीता का फेंका लाइफ गार्ड ट्यूब पकड़ा देता है, मगर खुद डूबने लगता है। अनन्या अब खुद को संभाल चुकी थी और उसके सामने शिखर डूब रहा था। डेक पर बबीता लगातार घंटा बजाए जा रही थी और तभी पानी के अंदर से डूबते हुए शिखर के बिल्कुल पास शीना बाहर आती है और शिखर को संभाल लेती है। फिर वो आराम से तैरते हुए एक हाथ से शिखर को संभाले और दूसरे हाथ से अनन्या की लाइफ गार्ड ट्यूब को खींचे जहाज के करीब ले आती है। तब तक जहाज से रस्सियों की सीढ़ी नीचे फेंकी जा चुकी थी और तीनों को ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर आते ही तीनों को कंबल से लपेट दिया जाता है और उनके हाथ और पैर रगड़े जाते हैं। शिखर और अनन्या बुरी तरह से ठिठुर रहे थे और तभी बबीता चिल्लाई शिखर पर, जब तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों। रवि, जो शिखर के हाथ पैर रगड़ रहा था, कहता है, अनन्या को बचाने कूदा और क्या करता, खड़े होकर इसे डूबते देखता रहता। इससे पूछो, जब इसको तैरना नहीं आता है तो क्यों कूदी पानी में। बबीता बोली, अनन्या, सबकी जान जरूरी होती है, ऐसे फैसले मत लिया करो जो तुम्हारे साथ किसी और की जान पे भी बनाए। शुक्र करो किसी तरह शिखर ने तुम्हें बचा लिया और तुम दोनों को शीना ने। शीना कहती है, बचाए तो तुमने है बबीता, तुम घंटी ना बजाती तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है। शिखर को देखती अनन्या की आंखों में आंसू थे। आज शिखर उसकी नजरों में बहुत ऊपर पहुंच गया था। मन ही मन कहती है, शिखर कितना प्यार करता है मुझसे, वरना कौन अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे कूद पड़ता है किसी को बचाने को। क्या अनन्या के मन में शिखर के लिए प्यार ने आहट देना शुरू कर दिया था।
शिखर की नजर शीना पर थी और वो अपने मन में उसे दुआ दे रहा था, एक बार फिर बचा लिया तुमने मुझे। और एक तरफ शीना थी जो अपने मन को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो शिखर ने किया अनन्या के लिए वो कोई अपना ही करता है किसी अपने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो शिखर, बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए अपनी जान पे दांव लगाने के लिए। और तभी जहाज के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर चक्कर काटने लगता है। बहुत तेज बहती हवा में सब अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहे थे, मगर शिखर का दिमाग खुल चुका था। शिखर हेलीकॉप्टर की आवाज को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाता है, मैं जिंदा हूँ या मर गया ये देखने आए हो? तो देखो अभी जिंदा हूँ, तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम मेरे सामने नहीं आ जाते, और तुम्हें आना पड़ेगा मेरे शुभचिंतक। हेलीकॉप्टर वापस वहां से दूसरी दिशा में उड़ जाता है, पर शिखर ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। रात हो चली थी, आसमान तारों और समुद्र चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। जहाज के डेक पर म्यूजिक के साथ पार्टी चल रही थी। अपने हाथ में माइक लिए शिखर कहता है, हेलो हेलो। नशा ऐसा हो रखा है कि जुबान से हेलो भी नहीं निकल रहा, पर इतने नशे में होने के बाद भी आज एक फैसला किया है मैंने। मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आज क्या अभी से शराब मुझसे दूर कर दी जाए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अपने दोनों हाथों में एक एक शराब की बोतल पकड़िए और आइए मेरे साथ, हम सब अपनी सारी शराब इस समुद्र में स्वाहा कर दें। और शिखर शराब की बोतल समुद्र में खाली करने लगता है। उसे देख सभी ऐसा करने लगते हैं, और देखते ही देखते हंसी मजाक में जहाज की सारी शराब समुद्र में बहा दी जाती है। और तब शिखर कहता है, अरे एक बात तो बताना भूल गया, नहीं करना भूल गया, अब स्वाहा बोला है तो आग तो होनी ही चाहिए। और शिखर जहाज के डेक से एक आग की जलती मशाल पानी में फेंक देता है। पल भर में ही पानी में आग लग जाती है। बबीता चिल्लाती है, आग बुझाओ सब लोग जल्दी। शिखर चिल्लाता है, नहीं ये आग नहीं बुझेगी, जलने दो इसे। क्या हो गया था शिखर को? क्या ये उसका नशा था या फिर अपने शुभचिंतक को खुद तक लाने का एक पैंतरा?